नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी हिसार से सामने आ रही है। आदमपुर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, 3 दिन एक आदमपुर में रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई 7 से 8 सितंबर को हिसार में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 7 और 8 सितंबर को हिसार में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हिसार से। तो आदमपुर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, 3 दिन तक आदमपुर में रहेंगे कुलदीप बिश्नोई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कार्यकर्ताओं से कुलदीप बिश्नोई संवाद भी करेंगे। और आदमपुर दौरा है कुलदीप बिश्नोई का। वहीं 7 से 8 सितंबर को हिसार में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। हिसार से मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से आपको बता रहे हैं। आदमपुर पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई, 3 दिवसीय उनका ये आदमपुर दौरा होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे कुलदीप बिश्नोई। वहीं 7 और 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल हिसार में रहेंगे और हिसार से ही मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर दौरा। कार्यकर्ताओं को इस दौरान वे संबोधित भी करेंगे। 3 दिन तक आदमपुर में रहेंगे कुलदीप बिश्नोई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिसार में 7 और 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल रहेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि कैंपेन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करेंगे और इसी सिलसिले में 7 और 8 सितंबर को वे हिसार में आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई का भी आदमपुर दौरा है, 3 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से इस दौरान कुलदीप बिश्नोई संवाद भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 7 से 8 सितंबर को हिसार में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे।